क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? ये मजमू लिखा है डॉक्टर ज़हूर अहमद दानिश ने, और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। तो चलते हैं इस मजमून को देखते हैं। हम सब एक ही दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, कानों में एक ही आवाज़ गूंजती है, बस मैं कामयाब हो जाऊं, मुझे कामयाब होना है, बस दुआ करो मैं कामयाब हो जाऊं, यार बताओ क्या करूं कि कामयाबी मिल जाए। इस कामयाबी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला है, आप कैसे लग रहे हैं? आपने अमूमन देखा होगा कि लोग अभी हमसे मिलते भी नहीं, ना कभी कोई बात की होती है, लेकिन वो हमारे मुतालिक अपनी राय कायम कर चुके होते हैं। कभी सोचा? नहीं तो आज सोच लीजिए। जी जनाब, ऐसा ही है। होता यह है कि माँ बदौलत घर हो या बाहर, कभी अपनी ज़ाहरी शख्सियत को संवारने की जहमत ही नहीं की। बाल बिखरे हुए होते हैं, बूट पॉलिश नहीं होते, बटन खुले हुए होते हैं, और दफ्तर की जानिब कमर बस्ता हो जाते हैं। आप जिस गली मोहल्ले से गुज़र हुआ, जिस दुकानदार से कोई चीज़ ली, दफ्तर में जहाँ काम किया, वो सब लोग हमारे इस लाउबालीपन से हमारी शख्सियत का खाका बना लेते हैं, और फिर वो हमें इसी अंदाज में हमसे राबता भी रखते हैं। हमेशा अच्छा लिबास हो और सीखिए कि किस मौके पर क्या पहना जाए जिससे लोग आपको पसंद करें और दिलचस्पी लें। आप अपने बॉस को मुतासिर कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी अपनी तरफ मुतवज्जह कर सकते हैं। आप अच्छे कपड़ों में होंगे और मुनासिब तरीके से तैयार हों तो आपको भी अच्छा लगेगा, और आप पूरे एतमाद होंगे और आपके कामों में मदद मिलेगी। हरकातो सकनात, एक्टिविटी। हमारी एक्टिविटी हमारी शख्सियत की तर्जुमान होती है। इससे दूसरों को हमारे मुतालिक हमारी ज़ात का पता चलता है। हमारे चेहरे के तासुरात, बॉडी और हाथों के इशारे, जिनसे हम अपनी फीलिंग को देख पाते हैं। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो दूसरा शख्स समझेगा कि आप दोस्ताना शख्स हैं। आप रो रहे हैं तो सामने वाला बेजारगी का तासुर लेता है। आप उजलत में हाथ मिलाते हैं, मुखातब इस लम्हा भर की गफलत का नहायत ही गलत मानी व मफहूम लेकर हमेशा के लिए आपके मुतलिक नाला रहता है। यूं अपनी हरकत की वजह से आप एक अच्छे इंसान की रफाकत से महरूम हो गए, जो आपके लिए मुआविन साबित हो सकता था। ऐसे में अपनी हरकत और सकनात पर गौर करते रहें। आपकी कामयाबी के सफ़र में आपका ये रवैया कारगर साबित होता है। इसलिए मेरी राय यह है कि हमेशा मुस्कुराते रहें। अपने अंदर सुनने का ज़र्फ पैदा करें। हमारा मामूल बन चुका है कि अपनी बात कहने में लम्हा भर भी नहीं ठहरते और दूसरे की बात काट कर अपना मौक़िफ़ पेश करते चले जाते हैं। इसका पहला नुकसान कि सामने वाला न जाने कितनी अहम बात बताने वाला था जो मुमकिन है उसके जहन से निकल जाए। दूसरी बात यह है कि उसकी अधूरी बात का मफहूम कुछ था, अगर मुकम्मल सुनते तो बात समझ जाते। चुनांचे लम्हा भर की उजरत और न सुनने की आदत का नुकसान यह हुआ कि हम उसके मुतालिक गुमान कर बैठे, या फिर इस अधूरी बात पर उससे उलझ गए। कोशिश करें सामने वाले की पूरी तसल्ली से पूरी बात सुने। अगर कुछ समझने में कमी रह गई हो तो नफीस सा सवाल करके अपनी उलझन को दूर कर लीजिए। कम्युनिकेशन का ये बहुत उम्दा राज है, आजमा कर देख लें। आपने देखा होगा जब आप किसी की बात तवज्जो से सुनते हैं, वो आपको कद्र की निगाह से देखता है। एक बेहतरीन अबलाग के तमाम तरफ आवाज से आप इस्तफादा कर सकते हैं। अगला है मस्बत रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड। माशरे में रहने वालों की एक तादाद है जो घुट घुट कर जी रही है, एक दूसरे से खौफजदा और बदगुमान है। अगर थोड़ा गौर करें तो उसमें एक इकाई मुश्तरक दिखाई देती है, और वो है गैर मौजू रवैया, दूसरे के मुतालिक गलत गुमान होना। छोटी छोटी बातों की वजह से हम मनफी सोच, यानी निगेटिव सोच और जहनी तनाव का शिकार होकर अपनी शख्सियत को तबाह कर रहे हैं। जिनके मुतालिक मनफी सोच का शिकार होते हैं, बाज़ मरतबा उन्हें खबर तक नहीं होती और हम कुड़ते चले जाते हैं। फिर होता यह है कि हम यही सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कितनी नाखुश है। मस्बत रवैया हमारी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली लाता है, जिससे हम अपने बारे में बेहतर सोच पाते हैं। खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यकीन आता है कि हम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस, चाहे जितना भी मुश्किलें क्यों ना हो, मस्बत रवैया हमें सबका सामना करने में मदद करता है। चीन, चैन और कामयाब ज़िंदगी के तलबगार हैं, तो अभी से आयद कीजिए कि हमेशा अच्छा सोचेंगे। निज़ामुल औक़ात, टाइमिंग। अभी आपको नहीं पता पर टाइम बहुत कीमती होता है।
आप अगर एक दिन काम पर नहीं आते तो कोई काम नहीं होता। यही नहीं, अगर आप लेट होते हैं तो इस वजह से दूसरों पर भी असर पड़ता है। सोचिए अगर आप किसी तकरीब में देर से पहुँचें जहाँ सब आ चुके हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हों, तकरीब शुरू नहीं हो सकती क्योंकि आप इस तकरीब का एक अहम हिस्सा हैं। आपकी वजह से कितने लोगों का टाइम बर्बाद हुआ और लोगों पर आपका तासुर ख़राब पड़ा। इसी तरह बाकी चीज़ों में भी, वर्क, प्रोजेक्ट, मीटिंग, स्कूल असाइनमेंट और इम्तहान, या फिर किसी स्पेशल मौके पर आपको जिम्मेदारियों और काम को मैनेज करना हो, अपने टाइम को मुअस्सर तरीके से मैनेज करें। प्रेशर को कबूल करने का फ़न। हम कशीदगी महसूस करते हैं जब हम पर प्रेशर होता है, बॉस का प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, मीडिया का, दोस्तों का, कॉलेज का और हमारा खुद का। कभी ये हमारे लिए अच्छा होता है और हमें मदद करता है बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने में, और कभी लगता है कि हम और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कशीदगी को हैंडल कर लेते हैं और कुछ लोगों के लिए ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अगर आपको पता है कि आपको कशीदगी को कैसे डील करना है, तब आप इसे रिलैक्स कर रूप में कर सकते हैं और अपने काम पर तवज्जो मरकूज कर पाते हैं। ये भी कामयाबी के बारीक राजों में से एक राज है। तजर्बा शर्त है, अगर आप इसकी मश्क करके देखें तो ज़िंदगी सुखी हो जाएगी। माशरती अकदार और अतवार अख्तियार करें। दुनिया के हर महज़ब माशरे की यही तालीमात है कि महज़ब रहें, अदब करें। अदब ही में माशरे का हुस्न है। बात इनफरादी ज़िंदगी की हो या इज्तमाही ज़िंदगी की, बाहर सूरत अदब और आदाब की हर लम्हा ज़रूरत होती है। अदब व ताज़ीम भला किसको पसंद नहीं। ताज़ीम व तकरीम एक ऐसा गुण है कि अगर किसी को पता चल गया तो उसने महीनों को दिनों में और दिनों को घंटों में बदलकर इंसानियत के दिलों पर राज किया और अपने अहदाफ को वसूल किया, ताबिंदा बनकर बरसों दिलों की धड़कन रहे। ऐसे लोग अपने अच्छे रवैये से आप दूसरों की आंखों का तारा बनकर तरक्की के जीने तय कर सकते हैं। आप मुलाजिम हैं या ताजिर, आप शागिर्द हैं या उस्ताद, ज़रा कोशिश करके देखें तो सही, शर्ते के बेहतरीन नताइज आपका मुकद्दर होंगे। इंसान दोस्त बने। हम इंसान हैं और हमारा वास्ता इंसानों ही से है। चुनांचा कामयाबी का एक कायदा बताता चलूँ कि इंसानों से प्यार करें। किसी ने ज़ियाफ़त की है, कबूल करें। किसी होटल पर खाने की दावत है, फ़ौरन कबूल करें। शादी की दावत है या कोई मीटिंग, इसे ज़ाय न करें। दोस्तों के साथ फ्रेंडली रहें, दोस्ताना ताल्लुकात पैदा करें। चंद ही दिनों में आप देखते चले जाएंगे कि आप अपने घर में, दफ्तर में, फैक्ट्री में, अपने शोबे में अपने करीबी हासदीन के बजाय मोहब्बीन की तादाद पाएंगे, दोस्तों की तादाद पाएंगे। बस इसे करके तो देखें। बोले और कमाल बोले। आप बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके पास अल्फाज का ज़खीरा भी है, लेकिन मुद्दत से कुछ कह नहीं पाए। एक सवाल आपसे ये बताएं, ये जो सोचा और ये मुताला मालूमात है, इसका करेंगे क्या? कहीं ऐसा ना हो ये आप ही के साथ दफन हो जाएं। प्लीज़ दूसरों से तबादला ख्याल करें। आप अपनी कह दें, गलत कहा तो दुरुस्त हो जाएगा और अगर दुरुस्त कहा तो दाद मिल जाएगी। क्या ख्याल है आपका? दूसरी बात यह है, अपने मादरी ज़बान, कौमी ज़बान के अलावा दीगर ज़बान को भी आप सीखें ताकि वक्त के पहिए के साथ चल सकें। जैसा कि आजकल अंग्रेज़ी ज़बान कामयाबी के लिए एक जीना है, तो फिर इस ज़बान को सीखें। इस ज़बान में दूसरों से गुफ्तगू करें, अपनी राय दें, ताकि बोलने की झिझक ख़त्म होने के साथ साथ इस ज़बान पर गिरफ्त भी मजबूत हो। एक ऐसा वक्त भी आएगा कि आपको आपके बोलने की वजह से दुनिया में जाना जाएगा। लोग आपके बोलने के अंदाज़ को कामयाबी का जीना समझकर कॉपी करेंगे। आपके बोले हुए किसी तस्दीक से कम नहीं जाने जाएंगे। खुद शनासी, अपने आप की पहचान। मैं काफ़ी अरसा से लेक्चर, तकारीर, नकाबत, तहरीर, तहकीक के फील्ड से वाबस्ता हूँ। मैंने दुनिया में कामयाब लोगों में एक चीज़ मुश्तरक देखी और वह थी कि उन्होंने खुद को पहचान लिया था। उन्होंने जान लिया था वो कौन है और क्या कर सकते हैं। चुनांचा जब सेल्फ डिस्कवरी के मरहले से गुजरते तो रास्ते हमवार होते चले गए। एक ऐसा वक्त भी आया कि उनमें से कोई जाबिर बिन हयान बना, कोई इब्नुल हशीम बना, कोई अलबैरोनी, कोई एडिशन, कोई बिल गेट्स, कोई अब्दुल क़दीर, तो कोई कासिम अली शाह, कोई कैसर अब्बास, कोई संदीप महाशिवानी, कोई जावेद चौधरी, तो कोई किसी और नाम से जाना गया। उन्होंने दुनिया को दरियाफ्त करने से पहले, उन्होंने फ़न की बारीकियां सीखने से कबल, उन्होंने फील्ड चुनने से कबल खुद को दरियाफ्त कर लिया था।
चुनांचा फिर अपनी दरियाफ्त से दुनिया में इज्जत शोहरत मनसब के बड़े बड़े ओहदों पर ना सिर्फ फायज हुए बल्कि दूसरों को भी कामयाबी के गुण बताने लगे। बराए करम खुद को दरियाफ्त करें, अपनी पहचान करें, खुद शनासी करें, नताएज जल्द ही आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों, अगर हम इन बातों पर अमल करते हैं तो वाकई न सिर्फ हम एक अच्छे और सच्चे इंसान बनेंगे बल्कि कामयाब इंसान होने में भी कोई शक कोई शुभा नहीं है। अल्लाह हाफिज़।